जैसा कि आपको पता है कि आज हाउस में ये ऐलान किया गया था कि लीडर ऑफ द अपोजिशन के लिए जो है वो अपनी अपनी स्ट्रेंथ जो है वो शो करें और असेंबली ऑफिस में आकर जमा कराई जाए, और उसको देखते हुए आज 3 बजे तक वक्त दिया गया था कि 3 बजे तक जो साहिबान भी जो भी ऑनरेबल मेंबर लीडर ऑफ द अपोजिशन बनना चाहते हैं वो अपनी स्ट्रेंथ, उनके साथ कितने मेंबरान हैं, दस्तखत उनके करवा के हमें दें, और 3 बजे के बाद फिर हम 1 घंटे में उनके दस्तखतों को वेरीफाई करेंगे और स्ट्रेंथ देखेंगे, क्योंकि आईन और कानून के मुताबिक इसी तरह ही है कि जो मेंबर जिसके पास अपोजिशन के मेंबरान की अक्सरियत होगी वो लीडर ऑफ द अपोजिशन डिक्लेयर होगा। ये बड़ा इसमें क्लियर है। तो मैं ये आपको बताता हूँ कि 4 बजे तक हमने वेरिफिकेशन कर ली है दस्तखतों की, और उसकी रोशनी में राजा रियाज अहमद साहब के हक में 16 मेंबरान के दस्तखत आए, जनाब गौस बख्श मेहर साहब के हक में 6 मेंबरान ने दस्तखत किए हैं, एक और जो है जनाब हुसैन अलई के नाम भी आए थे मगर उन्होंने जनाब गौस बख्श मेहर साहब के हक में दस्तबरदार होने का हमें लिख कर भेज दिया था, लिहाजा राजा रियाज अहमद साहब को मैं लीडर ऑफ द अपोजिशन डिक्लेयर करता हूँ एज स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली।